सारे इंडिया के वॉरेन बफेट, ठीक है, कभी कि इन्होंने भी 5,000 रुपयों में शुरू किया था, इन्होंने भी दिमाग लगाया था, इन्होंने भी यही सोचा होगा ना कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं चेक तो कर लूं कैसी है वो कंपनी। राकेश झुनझुनवाला, इनका पोर्टफोलियो देखते हैं कि इनका दिमाग किस वे से काम करता है, इन्होंने किधर किधर अपना इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारी कंपनी से कुछ सेलेक्ट किए मैंने, इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है टाइटन कंपनी में, कितना पैसा, 7,725 करोड़ रुपया लगा रखा है, और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न देख लो आप, 1719 रुपए का शेयर चल रहा है, शायद इन्होंने उस टाइम पे कितने का, 3 रुपए का खरीदा था। इन्होंने पैसा लगा रखा है टाटा मोटर्स पे, अब सोचो कि जरा ये भी टाटा मोटर्स पे बिलीव रखते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ टाइटन भी टाटा की है, हाँ मेरे ख्याल से टाइटन भी टाटा की है, पर टाइटन एक टाटा के बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, उनमें से टाइटन भी है, टाटा मोटर्स भी है, इन्होंने टाइटन में भी पैसा लगा रखा है, टाटा मोटर्स में भी पैसा लगा रखा है, क्योंकि वो टाटा से रिलेटेड है, ट्रस्ट है, वहां पर 1309 करोड़ रुपया लगा रखा है, समझ में आ रहा है, देखो कितना कितना ट्रस्ट देख लो अपने अपने हिसाब से जो पैसा लगा रखा है, अभी ये भले -186 जो भी दिख रहा हो यार, इन्होंने जो पैसा लगाया था उस टाइम में टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस काफी कम थे तब खरीदा था इन्होंने, फिर उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट कर रखी है इसमें, यहाँ पर ये देखो ग्लोबल, ये जो S&P ग्लोबल कंपनी है, कौन सी वाली, श्रीसिल, तो ये वाली कंपनी इसमें 1,048 करोड़ रुपए का लगा रखा है, इन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा तभी तो लगाया होगा, आप कॉपी मत करना कि राकेश झुनझुनवाला लगा रखा तो मैं भी लगा दूं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, मैं बता दूं इन सारे शेयर्स में मेरे पास सिर्फ टाटा मोटर्स के शेयर है और किसी के नहीं है, तो मैंने मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ ट्रस्ट किया तब जाके मैंने लगाया, तो मैंने ऐसा नहीं राकेश झुनझुनवाला जो पोर्टफोलियो बना रखा है मैं भी वही बनाऊंगा, नहीं, राकेश झुनझुनवाला जी की रिसर्च अलग है, आपकी अलग है, आप अपनी रिसर्च कर लो। फिर उन्होंने ल्यूपिन पे लगा रखा है 831 करोड़ रुपया लगा रखा है, एक शेयर अभी 1148 रुपए का है, फोर्टिस में पैसा लगा रखा है 771 करोड़ रुपया लगा रखा है, 236 रुपए का ये शेयर है, तो आप देखो जरा, समझ रहे हो, तो इन्वेस्टर की तरह सोचो और अपना दिमाग लगाओ।